नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच मैं कवर करूंगा वो मैच है दोस्तों बायजूस पुंडिचेरी T20 का फाइनल मुकाबला, जो यहां पर खेला जाएगा टीम पैंथर्स 11 वर्सेस शार्क 11 के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि दोनों टीम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन सा रहेगा, कौन सा प्लेयर अपनी टीम के लिए ओपन करता हुआ नज़र आ सकता है, कौन से प्लेयर्स आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हुए नज़र आ सकते हैं, कौन से प्लेयर आपके लिए जैकपॉट हो सकते हैं, किस प्लेयर को आप लोग अपनी हेड टू हेड टीम में ट्राई कर सकते हैं और किस प्लेयर को आप लोग अपनी ग्रांड लीग की टीम में एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करें उसमें आप लोग विन करें या फिर आपको प्रॉफिट हो, तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बाकी दोस्तों, जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी दोस्तों मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर करेंटली 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट है, जो सबसे टॉप पर कमेंट है, जो कमेंट पिन किया गया है वो मेरे चैनल का लिंक है, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो आपको कमेंट में चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है इसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बात की जाए सबसे पहले दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो अगर मैं बात करूं पैंथर्स 11 की, तो ये अपना पिछला मुकाबला शार्क के अगेंस्ट जीत के आ रहे थे 5 विकेट से। इस मुकाबले में इनकी टीम के लोगेश पी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 85 रन बनाए थे 62 गेंदों पे। उसके अलावा जी थिवगर और संतोष कुमारन ने अपनी टीम के लिए 2-2 विकेट निकाले थे। पैंथर्स 11 की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट में 10 मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें से ये 8 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और ये टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन पर थे। शार्क 11 की मैं बात करूँ तो इन्होंने टूर्नामेंट में 10 मुकाबले खेले थे, जिसमें से ये 5 जीते थे, 4 हारे थे, 1 मैच इनका रद्द किया गया था और ये 3rd पोजीशन पर थे पॉइंट्स टेबल में। विकेट की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं जो विकेट है पुडुचेरी क्रिकेट ग्राउंड की, वो एक न्यूट्रल विकेट है, जहां पर बैट्समैन बॉलर्स दोनों को काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप जो भी टीम क्रिएट करें वो एक बैलेंस टीम बनाए, जहां पर आपकी टीम में बैट्समैन के साथ साथ फास्ट बॉलर्स भी होने चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए वेदर रिपोर्ट की, तो वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो इस मैच में भी 35% चांसेस हैं रेन के। हालांकि ये मैच आपको होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ओनली 35% चांसेस हैं, हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में रेन वगैरह ना हो, सेकेंड इनिंग में अगर होती भी है तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कम ओवर्स जो हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप लोग इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी बात की जाए कि तो जिस प्रकार की वेदर की कंडीशन है तो तेज़ गेंदबाजों को मदद ज़रूर मिलेगी। पैंथर्स 11 की मैं बात करूं तो इनकी ओर से आपको प्रियम आशीष खेलते हुए नज़र आएंगे, जिनके नाम टूर्नामेंट में 262 रन है, तो काफ़ी कमाल का टूर्नामेंट इनका रहा है। SI चेतन के नाम दोस्तों 5 विकेट हैं, दामोदरन रोहित के नाम दोस्तों 162 रन 6 विकेट हैं टूर्नामेंट में, जय प्रकाश मणिकांदन के नाम दोस्तों 124 रन 2 विकेट हैं, आमिर जिशन इनके नाम दोस्तों टूर्नामेंट में 392 रन 4 विकेट हैं, भरत भूषण शर्मा की मैं बात करूं तो इनके नाम दोस्तों टूर्नामेंट में 58 रन 16 विकेट हैं, इकलस नाहा की मैं बात करूं तो टूर्नामेंट में 163 रन इनके नाम है और 7 विकेट हैं, संतोष कुमारन की बात की जाए तो दोस्तों टूर्नामेंट में इनके नाम 72 रन 5 विकेट हैं, अशित राजीव की मैं बात करूं तो इनके नाम टूर्नामेंट में 115 रन 5 विकेट हैं, सीधक गुरविंदर सिंह की मैं बात करूं तो टूर्नामेंट में इनके नाम 11 रन 2 विकेट हैं और जॉर्ज सेमुल की मैं बात करूं तो इनके नाम टूर्नामेंट में 52 रन हैं। तो इनकी ओर से आपको मैं बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन या प्लेयर्स रहने वाले हैं वो देखिए, प्रियम आशीष इंपॉर्टेंट है, दामोदरन रोहित इंपॉर्टेंट रहेंगे, आमिर जिशन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इकलस नाहा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनकी ओर से ये 4 से 5 प्लेयर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैच की बात की जाए तो इनकी टीम को लास्ट मैच में 187 रन चेस करने थे 20 ओवर में, और इनके बैट्समैन ने 19 ओवर के अंदर ही टोटल को चेस कर लिया था। आमिर जिशन टॉप स्कोरर रहे थे, 71 रन बनाए थे मात्र 39 गेंदों पर, इकलस नाहा ने 51 रन बनाए थे मात्र 37 गेंदों पर, और भरत भूषण शर्मा ने अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले थे।
बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ शार्क 11 की, तो इनकी ओर से आपको निपुण गेकवार खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं परफॉर्म किया है। 51 रन बना है। मोहित मिट्टल ने दोस्तों 265 रन टूर्नामेंट में बनाए हैं। लोगेश पी ने दोस्तों 250 रन बनाए हैं और विकेट एक भी नहीं निकाले हैं। टी एबीस ने दोस्तों 48 रन 13 विकेट निकाले हैं, तो हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं टूर्नामेंट में ये। जी दिवकर की मैं बात करूँ तो इन्होंने 69 रन 5 विकेट निकाले हैं। अक्षय जैनेस ने दोस्तों 3 रन 9 विकेट टूर्नामेंट में निकाले हैं। अनंत सुब्रमण्यम की मैं बात करूँ तो इन्होंने 241 रन बनाए हैं। रघु शर्मा ने दोस्तों 7 रन बनाए हैं और 10 विकेट निकाले हैं टूर्नामेंट में। चिरंजीवी की मैं बात करूँ तो इन्होंने दोस्तों टूर्नामेंट में 108 रन 9 विकेट निकाले हैं। विशाल खोकर ने दोस्तों 36 रन 6 विकेट टूर्नामेंट में निकाले हैं। और प्रेम राज की मैं बात करूँ तो इन्होंने टूर्नामेंट में दोस्तों 208 रन 3 विकेट निकाले हैं। तो इनकी टीम ने लास्ट मैच में इनकी टीम को 162 रन 20 ओवर के अंदर डिफेंड करने थे और इनके बॉलर्स ने इस टोटल को डिफेंड भी कर लिया था। मोहित मिट्टन टॉप स्कोरर रहे थे, 51 रन बना दिए थे मात्र 33 गेंदों पे। प्रेम राज ने 46 रन बना दिए थे मात्र 32 गेंदों पे। टी ए अभी इसने अपनी टीम के लिए 3 विकेट निकाले थे और चिरंजीवी ने अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले थे। अब बात कीजिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या रह सकते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए। तो कैप्टनसी आप लोग यहाँ पर आमिर जिशन एन को दे सकते हैं, जिनके नाम 392 रन 4 विकेट ने टूर्नामेंट में। भरत भूषण शर्मा को दे सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, जिनके नाम 58 रन 16 विकेट है। प्रियम आशीष को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। इकलस नाहा को दे सकते हैं। टी अबीस को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। मोहित मिट्टन को दे सकते हैं। अनंत सुब्रमण्यम को दे सकते हैं। लोगेश पी को दे सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सारे ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं। चाहे आप लोग जीएल में किसी को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना चाहें, चाहे आप लोग हेड टू हेड मैचेस में देना चाहें, सभी में से आप लोग किसी प्लेयर को भी दे सकते हैं। बाकी मैं बात कर लेता हूँ ऐसे दो प्लेयर्स की जिनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, तो वो प्लेयर्स हैं दोस्तों आमिर जिशन हैं, जिनके नाम टूर्नामेंट में 392 रन हैं और 4 विकेट हैं। और दूसरे प्लेयर हैं भरत भूषण शर्मा, जिनके नाम दोस्तों टूर्नामेंट में 58 रन 16 विकेट हैं। तो ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए, क्योंकि यही दो प्लेयर जो हैं वो आपकी टीम को विनिंग जोन के ऊपर ले जा सकते हैं, यानी विनिंग जोन के अंदर ला सकते हैं। अगर ये प्लेयर आपकी टीम में नहीं हुए तो आपकी सारी टीम गारंटीड है कि विनिंग जोन के बाहर जा सकती है। तो इन दोनों प्लेयर्स को ज़रूर आप लोग अपनी टीम में रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आए होगे, पहली बार अगर हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे होगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पास में जो बेल आइकन है इसको भी ज़रूर आप लोग ऑल पे प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट है, जो भी मेरी फाइनल टीम है, वो आपको आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फ्री में मेरी 100% विनिंग टीम मिले, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर करेंटली 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहां पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम 11 की ओर, जहाँ पर मैं आपको कमाल की हेड टू हेड टीम और जीएल टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की, तो आपके सामने 2 से 3 पिक नज़र आ रही होंगी, गेकवार, सैमुअल, थीविगर की। तो देखिए यहाँ पे जो गेकवार हैं वो अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं और आपको नंबर 3 के आसपास आकर बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। जी सैमुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने आएंगे। जी थीविगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, विकेट कीपिंग तो नहीं करते हैं लेकिन आपको बॉलिंग और बैटिंग करके दे सकते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो इसी कारण से मैं अपनी टीम में जी थीविगर को पिक करने वाला हूँ एज अ विकेट कीपर सेक्शन से। बैटिंग की अगर मैं बात करूं, एस सुब्रमण्यम को ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, तो इनको पिक करेंगे। जे मणिकांदन की मैं बात करूं, टूर्नामेंट में इन्होंने बॉलिंग कराई है कुछ मैचेस में, लेकिन ये फाइनल मैच है तो काफ़ी कम चांस है कि टीम इनके ऊपर रिस्क लेगी, इनको बॉलिंग वगैरह देगी, तो इसी कारण से आज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो बैटिंग है वो भी इनकी काफ़ी ज़्यादा लेट आती है। उसके अलावा पी आशीष को मैं ट्राई करूँगा, प्रेम राज को मैं ट्राई करूँगा, नीचे से यहाँ पर आप पी लोगेश को अपनी टीम में रखना चाहिए रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपकी टीम में होना चाहिए, तो इसको भी मैं पिक कर लूँगा। हालांकि पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था, लेकिन फाइनल मुकाबला शायद आज के मैच में अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर कर पाए। अलाउट सेक्शन में आपको दोस्तों आमिर जिशन को यहाँ पर ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
उसके अलावा अगर आप मोहित मिट्टन को लेना चाहें ले सकते हैं, अगर देखिए आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं तभी मैं इनको पिक करूंगा, अदरवाइज ये नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करने आएंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर इक्लस नाहा को पिक करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे देगा। लास्ट मैच में इसने देखिए 2 ओवर की बॉलिंग कराई, जहाँ पर ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराने आया था पर इसको विकेट नहीं मिला था, लेकिन जब ये बैटिंग करने आए तो वहाँ पर इन्होंने 51 रन की पारी खेली थी जो कि काफ़ी कमाल की बात है। यानी ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके देंगे। उसके अलावा हम डी रोहित को भी पिक करेंगे। बाकी यहाँ पे चिरंजीवी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इनको अगर आपको पिक करना है तो आपको बैटिंग सेक्शन में किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो रिस्क यहाँ पर मैं एस सुब्रमण्यम के ऊपर लूँगा, क्योंकि एस सुब्रमण्यम जो है वो आपको मिडल ऑर्डर में बैटिंग करके देते हैं, जबकि पी लोकेश जो है वो आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं चिरंजीवी को जो है वो अपनी टीम में ट्राई करूँगा। बाकी अगर आप यहाँ पर लेना चाहें तो बैटिंग सेक्शन से एस सुब्रमण्यम को ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं जिनको हम लोग पिक करेंगे। पहली पिक है यहाँ पे बी भूषण की जो कि लगातार टूर्नामेंट में विकेट लेकर आए, तो इसलिए इनको पिक करेंगे। दूसरी पिक यहाँ पे टी अबीस की, इनको पिक करेंगे। बाकी आपके पास एक ऑप्शन बचता है जहाँ पर आप पिक कर सकते हैं, आप एक्स जेनेस में ट्राई कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे आर शर्मा को ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं अक्षय जेनेस की तो इनके आप लोग पॉइंट्स देखिए, इनको बॉलिंग जो है वो लास्ट मैचेस में काफ़ी कम मिली है, और आर शर्मा की मैं बात करूं तो इनको भी कुछ ऐसी ही प्रकार की बॉलिंग दी गई है, लेकिन जो है वो आर शर्मा को मैं पिक करूंगा, मुझे लग रहा है कि आज के मैच में ये विकेट निकाल ले जाएंगे। तो बात की जाए दोस्तों, मैंने अपनी टीम में 5 प्लेयर पेंथर्स के रखे हैं, 6 प्लेयर मैंने शार्क के रखे हैं। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो मैंने अपनी टीम में 1 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार किया है। टीम प्रीव्यू की मैं बात करूं तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने थिवकर को रखा है जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग और बॉलिंग करके देंगे। बैटिंग सेक्शन से पी आशीष को रखा है जो कि ओपन करके देगा। पी लोकेश को रखा है ओपन करके देगा। प्रेम राज नंबर 3 से 4 पर बैटिंग और बॉलिंग करके देंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने यहाँ पर इक्लस नाहा को रखा हुआ है, बैटिंग बॉलिंग कराएगा। डी रोहित ओपन करेगा और बॉलिंग कराएगा। आमिर जिशन नंबर 3 भी रहेंगे और साथ में पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा सकते हैं। चिरंजीवी को रखा है अपनी टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करेगा और साथ में 2-3 ओवर की गेंदबाजी भी कर सकता है। बॉलिंग सेक्शन से आर शर्मा को रखा है, विकेट टेकर बॉलर हैं। बी भूषण शर्मा विकेट टेकर बॉलर हैं और यहाँ पे टी अबीस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट इनके नाम है, तो इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। तो ये दोस्तों मेरी टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ अपनी इस टीम में किस प्लेयर को मैं कैप्टनसी और किस प्लेयर को वाइस कैप्टनसी प्रोवाइड कराऊंगा, तो कैप्टनसी यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों ने आमिर जिशन इनको दे रखी है, लेकिन मैं इनको कैप्टनसी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर चिरंजीवी को कैप्टनसी दूंगा जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं आमिर जिशन इनको बनाऊंगा, क्योंकि आमिर जिशन जो है वो लास्ट मैच में भी बॉलिंग नहीं किए थे, तो इस मैच में भी हो सकता है बॉलिंग ना करें, तो इसी कारण से मैं इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी मतलब सिर्फ वाइस कैप्टनसी देना चाहूँगा। तो ये मेरे दोस्तों हेड टू हेड टीम रहेगी, और इसी सेम टीम के साथ मैं जीएल में भी सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा। तो आप लोग हमारी टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लें, और जहाँ पर भी आप लोग प्ले करना चाहें वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डी रोहित भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए, और यहाँ पर प्रेमराज भी। बाकी दोस्तों मेरी इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, तो जो दोस्तों जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जहाँ पर 4500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन है इसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो जरूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारी टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।